हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूँ फैन। दोस्तों आप देख रहे हैं टेक्निक फैजान। तो दोस्तों काफ़ी सारे अभी अभी फ्लिपकार्ट पर एक बिग बिलियन सेल आने वाला है, अमेजोन पर भी कुछ सेल आने वाले हैं, लेकिन ये कंपनी आपको फ्रॉड कर रही है, क्योंकि फ्लिपकार्ट आपको फ्रॉड कर रही है। क्योंकि दोस्तों जो जो मोबाइल फ़ोन्स पे वो स्मार्टफोन पे आपको वो डिस्काउंट दे रहे हैं, जैसे कि एक मोबाइल को ले लेते हैं, जैसे कि S8 हो गया, उस पर दोस्तों आपको जो उसकी लगभग उसकी प्राइस आपको फ्लिपकार्ट पर दिखा रहा होगा कि 45,000, लेकिन एक्चुअली उसकी प्राइस 45,000 नहीं है। मैंने रिसर्च किया, इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी कि आप फ्लिपकार्ट पर 7 धमाकेदार फ़ोन, 7 बेस्ट फ़ोन है, जो 7 बेस्ट फ़ोन है जो आपको अच्छी डिस्काउंट के साथ मिल जाते, उसमें S8 भी था। उसमें मैंने आपको 45,000 उसकी रेट बताई थी जो फ्लिपकार्ट पर थी। लेकिन दोस्तों मैंने इसके बारे में जब सर्च किया तो दोस्तों काफ़ी सारे शॉपों में आपको ये सिर्फ 35,000 या 36,000 में एक्चुअली मिल जाएगा, जो और जो सेल में आपको मिलेगा वो है 30,000 रुपये का, 30,000 का। वैसे भी अच्छा डिस्काउंट वैसे आप ले सकते हैं, लेकिन 5-6 हज़ार का आपको डिस्काउंट मिल जाता है, वैसे आप ये मोबाइल ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों क्या है, वो मोबाइल अभी के जो अभी 2019 आने वाले हैं, उसमें क्या मोबाइल आपको लेना चाहिए या नहीं। दोस्तों उस मोबाइल को लॉन्च हुए दो साल हो गए, फिर आपको आप 30,000 डिस्काउंट में लेके गए तो क्या करेंगे उस मोबाइल का, जो कि अभी अभी नए नए 2019 में आने वाले अपग्रेड मोबाइल है, जो कि 2 साल पहले का मोबाइल लेना नहीं चाहिए। दोस्तों मैं आपको खुद प्रिपेयर कर रहा हूँ कि दोस्तों 2 साल पहले लॉन्च हुआ मोबाइल आप प्लीज़ मत लीजिए, क्योंकि डिस्काउंट आपको वो डिस्काउंट क्यों देते हैं दोस्तों, मैं आपको बता दूँ कि जैसे कि आपने देखा कि अगर आपके भी कोई कोई शॉप होगी तो अगर आपके उसके अंदर आपका जो जो प्रोडक्ट होगी अगर आपको वो बिक नहीं रहे होगी तो आपको क्या करेंगे उसका उसका सेल कर देंगे, जो भी त्यौहार जो भी कुछ भी आएगा तो उन सभी प्रोडक्ट का सेल कर देंगे। ऐसे ये कंपनियाँ, ऐसे ये एप्लीकेशन, ऐसे ही फ्लिपकार्ट अमेजोन जो है जो प्रोडक्ट बिक नहीं रहे होते उनको वो सेल कर देती है। दोस्तों एक फ़ोन के बारे में आपको बता दूँ जो कि फ्लिपकार्ट अभी सेल पर चल रहा है, Moto Z2 Force, उसकी एक्चुअली प्राइस 35,000 जो कि 35,000 रुपये उसकी प्राइस है, लेकिन वो इस बिग बिलियन सेल में आपको सिर्फ 17,500 रुपये मिल जाता है, जो कि 50% डिस्काउंट कोई मोबाइल कंपनी आपको नहीं देती। आप खुद ही समझ जाइए क्यों आपको ये कंपनी है जो कि ये आपको डिस्काउंट दे रही है। वैसे भी कोई ऐसे फ्लिपकार्ट पूरा आपको फ्रॉड नहीं कर रहा है, वैसे भी उनके अंदर काफ़ी अच्छी फ़ोन है जिसमें आपको डिस्काउंट ऐसे इतने 50-50% आपको डिस्काउंट नहीं मिलते, जैसे कुछ फ़ोन हो गया एसुस का Zenfone 5Z हो गया जिसमें आपको 1,000 रुपये डिस्काउंट मिलता है, ये काफ़ी अच्छी डील है। इसमें आपको 1,000 रुपये डिस्काउंट मिलता है, ये काफ़ी अच्छी डील है, कंपनी को भी घाटा नहीं होता, हमको भी घाटा नहीं, हमको उल्टा डिस्काउंट मिल जाता है। वैसे भी ये कंपनी क्या करती है आपको, जैसे कि इसमें 50% डिस्काउंट कोई कंपनी नहीं देती, तो आपको ये फ़ोन बिकने के लिए वो कंपनियाँ देती है, उनके आप पड़े होते हैं फ़ोन तो वो उनको बिकने के लिए आप बेच देती है, जैसे कि काफ़ी अच्छे अच्छे डील आपको मिल जाती है जिसमें 1,000-2,000 का डिस्काउंट है, तो आप समझ लीजिए कि ये फ़ोन हमको लेना चाहिए। वैसे भी आपको अमेजोन एक OnePlus 6 का जो आपको दे रहा है, जिसमें आपको उसका उसकी कीमत है 35,000, लेकिन वो आपको 3,000-5,000 डिस्काउंट में दे रहा है, तो इसमें मैं आपको प्रिफेयर करूँगा कि आपको वो भी मोबाइल नहीं लेने चाहिए डिस्काउंट का, जो कि अभी भी OnePlus 6 एक काफ़ी अच्छा मोबाइल है, मेरा फेवरेट मोबाइल है। मैं खुद आपको बताऊँ मेरा फेवरेट मोबाइल OnePlus 6, मैं जब भी OnePlus 6 को लाना चाहूँगा तो OnePlus 6 ला मेरे पास होना जब बजट होगा तो। आप OnePlus 6 अगर जो आने वाला OnePlus 6T है, अगर आपने OnePlus 6 ले लिया है तो कोई बात नहीं, OnePlus 6 एकदम बेहतरीन फ़ोन है। अगर आने वाला OnePlus 6T है तो उसको भी आप अपग्रेडमेंट कीजिए, आप OnePlus 6 ही रहने दीजिए, क्योंकि अगर आपके साथ पास बहुत ज़्यादा पैसा है तो आप OnePlus 6T ले सकते हैं, उसको अपग्रेड कर सकते हैं, लेकिन सेल में से मत लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों अगर आपने ले लिया तो कोई बात नहीं। तो दोस्तों बस इस वीडियो में इतना था, आपको मैं समझाने आपको आपके पास गलत इन्फॉर्मेशन ना निकले, आपके पास कुछ आप ऐसे कुछ गलतियां ना कर दो जिससे आपको आगे जाकर घाटा हो सके, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई और इन्फॉर्मेशन काफ़ी रिसर्च करके मैंने इन्फॉर्मेशन निकाली। तो प्लीज़ दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल सब्सक्राइब नहीं अगर इस लाल वाले बटन को चैनल दबाकर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नई एक्साइटिंग वीडियो में।